दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की हेडलाइन ये रही, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के ऊपर भारत भड़का और साथ में मिलकर कड़ी प्रतिक्रिया नॉर्थ कोरिया को दी गई। भारत और बांग्लादेश के बीच की दोस्ती और कई अन्य डीलों के बीच में बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खड़ी हो गई है। इसराइल और तुर्की के बीच में विवाद अब काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसको लेकर इसराइल की तरफ से सीधी चेतावनी दी गई है, जबकि तुर्की इसराइल के ऊपर हमले की धमकी दे रहा है। इसके अलावा मालदीव को अब भारत की याद और भारत के टूरिस्ट की याद आ रही है, जिसको लेकर वेलकम इंडिया के नारे अब मालदीव के अंदर लगाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी पहली खबर दोस्तों भारत और क्वाड के अंदर मौजूद देशों के द्वारा नॉर्थ कोरिया के ऊपर ली गई टफ लाइन को लेकर है। दरअसल हाल ही में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग जापान में आयोजित की गई थी। इस दौरान क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने सोमवार को उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक के इस्तेमाल और परमाणु हथियारों के लिए उसकी कोशिशों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने उत्तर कोरिया से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों का पालन करने का आग्रह किया। आपको बता दें, उत्तर कोरिया की ये परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल न सिर्फ जापान के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि साउथ कोरिया और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा है। यही कारण है कि क्वाड की बैठक में पहली बार उत्तर कोरिया का जिक्र करते हुए, उसको मेंशन करते हुए ये टफ लाइन और कड़ी निंदा उत्तर कोरिया की गई। बयान में कहा गया कि उत्तर कोरिया के साइबर गतिविधियों और विदेशों में काम करने वाले मजदूरों के जरिए हथियारों के कार्यक्रम के लिए धन जुटाने पर भी गंभीर चिंता जताई गई। क्वाड देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराई और उत्तर कोरिया से सभी UNSRC का पालन करने और टेबल टॉक में शामिल होने का आग्रह किया। साफ है दोस्तों, इस समय साउथ चाइना सी और इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ चीन का ही बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि उसके साथ ही नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी बड़ा खतरा है, जिनकी मिसाइल के निशाने पर जापान और कोरिया जैसे देश है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के साथ भारत का कोई भी सीधा विवाद नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड आज भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच में व्यापार होता है। यहाँ तक कि मोदी मंत्रिमंडल में मौजूद एक मंत्री के द्वारा नॉर्थ कोरिया का दौरा भी किया जा चुका है। आपको बता दें, भारत नॉर्थ कोरिया को प्राइमरी तौर पर, यानी कि जो मुख्य सामान भेजता है, उसमें रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जबकि नॉर्थ कोरिया से सिल्वर और ऑटो पार्ट्स के कंपोनेंट वगैरह को भारत मंगवाता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन बना हुआ है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया का 82% सामान चीन में एक्सपोर्ट होता है, जो कि $291.8 मिलियन है। इसके अलावा भारत का स्थान 9वां है और दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार भारत के पक्ष में है। दोनों देशों की एम्बेसी भी एक दूसरे के देशों में है। भारत की एम्बेसी पियोंगयांग में है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी न्यू दिल्ली में है। यानी कि साफ है कि भारत नॉर्थ कोरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और मेजर फूड एड प्रोवाइडर है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन ना तो खराब है और ना ही बहुत अच्छे हैं। यानी कि जैसी भारत की फॉरेन पॉलिसी सभी देशों के साथ रहती है, वैसी ही नॉर्थ कोरिया के साथ है। यानी कि गुट निरपेक्ष नीति यहाँ पर भी भारत अप्लाई करता है। लेकिन इस बार भारत की तरफ से नॉर्थ कोरिया को बड़ा जवाब दिया गया है और क्वाड के माध्यम से उसके मिसाइल टेस्ट को रोकने और UNSC के चार्टर को मानने की बात कही गई है। भारत और क्वाड के द्वारा लिए गए इस स्टेप पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर बांग्लादेश, भारत और वेस्ट बंगाल को लेकर है। दरअसल पिछले ही हफ्ते हमने आपको ये रिपोर्ट दी थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी समझौता हो रहा है। भारत ये डील काफी लंबे समय से चाहता था, क्योंकि अगर ये डील भारत को नहीं मिलती तो ये डील चीन को मिल जाती और चीन की प्रेजेंस भारत के वेस्ट बंगाल सीमा के करीब बढ़ जाती, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा होता। यही कारण है कि ये डील भारत के लिए बेहद इम्पोर्टेंट थी। लेकिन अब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया है और कहा है कि हम इस डील का विरोध करते हैं। हालांकि दोस्तों, ममता बनर्जी की तरफ से जो कुछ बातें विधानसभा में रखी गई है, उसमें कुछ दम तो दिखाई देता है, क्योंकि ममता की तरफ से कहा गया है कि मैं बांग्लादेश के लोगों से प्यार करती हूं, लेकिन तिस्ता नदी का पानी साझा करने से उत्तर बंगाल के लोग पीने के पानी से भी वंचित हो जाएंगे।
ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि सर्दियों और गर्मियों के मौसम में तिस्ता नदी में बहुत कम पानी होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार को भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि के नवीनीकरण पर होने वाली चर्चाओं में आमंत्रित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने भाईचारे के नाम पर बांग्लादेश को जो संभव था वह दिया है, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों को समझौते में नहीं डाल सकती। अब दोस्तों, अगर ये सच है तो ममता बनर्जी की बात काफी हद तक सही है, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि अगर ये डील भारत को नहीं मिलती तो ये डील चीन को मिल जाती और इस नदी का उपयोग भारत ज्यादा बेहतर कर सकता है बजाय कि चीन के। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है? क्या ममता बनर्जी का बयान सही है या नहीं, और क्या भारत को इस डील से पीछे हटना चाहिए या फिर हमें इस डील को कंटिन्यू करना चाहिए? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों मालदीव से निकलकर सामने आ रही है। मालदीव और भारत के बीच में पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ घटा है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब तकरीबन 8 महीने बाद मालदीव की सारी फॉरेन पॉलिसी और सारी रणनीति धरी की धरी रह गई और उसने एक बड़ा यू टर्न मारा है। आपको याद होगा कि लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद किस तरह से बॉयकॉट मालदीव का एक बड़ा कैंपेन चला था, जिसके बाद मालदीव में भारतीय टूरिस्ट की संख्या में भारी गिरावट आई थी, जबकि मालदीव की इकोनॉमी डिपेंड ही करती है टूरिस्ट पर। लेकिन अब वीजा फ्री ऑफर होने के बावजूद भारत की तरफ से काफी कम लोग मालदीव का दौरा कर रहे हैं। इसी से परेशान होकर मालदीव सरकार का प्रचार विभाग भारत में आकर भारतीयों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन कॉरपोरेशन MMPRC भारत के 3 शहरों में वेलकम इंडिया के नाम से रोड शो निकाल रहा है। इसका उद्देश्य भारतीय लोगों को मालदीव के पर्यटन के लिए आकर्षित करना है। इसके लिए मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने मंगलवार को भारत के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। मालदीव के मीडिया पोर्टल अदादू की रिपोर्ट के अनुसार रोड शो नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में 5 दिनों तक चलने वाला है। सीरियसली दोस्तों, ये खबर काफी ज्यादा सुकून देने वाली है कि किस तरह से मालदीव ने भारत के विरुद्ध जहर उगला था और अब भारत के शरण में आकर हमारे सामने एक तरह से गिड़गिड़ा रहा है और मालदीव में आने की मिन्नतें कर रहा है। हालांकि एज ए इंडियन मैं यही कहूंगा कि मालदीव की बजाय हमें भारत के ही बहुत खूबसूरत जगह है, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून जो कि मेरे घर के काफी करीब है। इसके अलावा पहाड़ पसंद है आपको तो मसूरी, मनाली, समुद्र पसंद है तो मुंबई, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, रेगिस्तान पसंद है तो राजस्थान, यानी कि भारत में सब कुछ है और हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। बहरहाल, मालदीव के द्वारा इस यूटर्न पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल, बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि तुर्की और इसराइल को लेकर है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में तुर्की की तरफ से इसराइल को धमकी देते हुए ये कहा गया है कि हम इसराइल के अंदर घुस सकते हैं और वहां पर इसराइल को मारकर आ सकते हैं। इसके बाद इसराइल के विदेश मंत्री ने भी नेटो से सोमवार को तुर्की को निकालने का आग्रह किया। इससे पहले तुर्की कई देशों की लड़ाई के बीच में पहुंच चुका है और अतीत में लीबिया और नागरनो काराबाग में घुस चुका है। इसराइल पर आक्रमण करने की तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की धमकियों को देखते हुए विदेश मंत्री इसराइल कार्ट्स ने राजनयिकों को निर्देश दिया है कि वे सभी नेटो सदस्यों से तत्काल बातचीत करें, तुर्की की आलोचना करें और क्षेत्रीय गठबंधन यानी नेटो से निकालने की मांग करें। दरअसल नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी सदस्य देश पर हमला पूरे सदस्यों पर अटैक माना जाएगा। इसराइल इसी कारण तुर्की पर एक छोटी एयर स्ट्राइक भी नहीं कर सकता। इसराइल और तुर्की के बीच तू-तू-मैं-मैं देखी जा रही है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद अर्दोगन इसराइल के कट्टर आलोचक रहे हैं। रविवार को एक भाषण में उन्होंने इसराइल पर हमला बोला। अर्दोगन ने कहा कि हमें बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि इसराइल फिलिस्तीन के साथ हास्य पर चीजें ना कर सके। जैसे हमने काराबाग में प्रवेश किया, जैसे हमने लीबिया में प्रवेश किया, हम उनके साथ भी वैसा ही कर सकते हैं। अर्दोगन के बयान के बाद इजरायली विदेश मंत्री ने उन्हें सद्दाम हुसैन कह डाला। इजरायली कार्ड्स के बयान में कहा कि अर्दोगन सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इजरायल पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वहाँ क्या हुआ और उसका अंत कैसे हुआ। उन्होंने आगे कहा, इसराइल के खिलाफ आतंकी हमला करने वाले, हमास मुख्यालय की मेजबानी करने वाला तुर्की, हमास, हिजबुल्ला और यमन के हुतियों के
के साथ ईरान की बुराई का सदस्य बन गया है। अर्दोगन की तुलना सद्दाम हुसैन से करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी इजरायली पीएम को हिटलर बता दिया। तुर्की ने बयान में कहा कि जिस तरह नरसंहार करने वाले हिटलर का अंत हुआ, उसी तरह नेतन्याहू जिसने नरसंहार किया है उसका अंत होगा। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो इसराइल इस तरह से बहस किसी देश से नहीं करता, लेकिन क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है इसी वजह से वे बहस कर रहा है, वरना अब तक तो एक दो मिसाइल दाग चुका होता। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।